हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करने में मदद करते हैं, आपकी स्किन को नर्चर करने में मदद करते हैं, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रोडक्ट अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही चॉइस करो। सपोज़ आपकी स्किन ऑयली है और आप अपने लिए ड्राई प्रोडक्ट ले आए, ऐसा प्रोडक्ट जो ड्राई स्किन के लिए है तो आपके स्किन पर पिंपल्स हो जाएंगे या फिर वो इतना इफेक्टेड नहीं होगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा 5 मोस्ट पॉपुलर बॉडी लोशन जिनको आप यूज़ तो करते हैं। इनके बहुत सारे वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल हैं, पर इसका कौन सा वेरिएंट कौन सी स्किन टाइप के लिए है आज मैं आपको बताऊंगा। बॉडी लोशन हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में, हमारी स्किन को नरिश रखने में मदद करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, डैमेज है या फिर फ्लैकी स्किन है तो ये इन सब को दूर रखता है। तो बेसिकली बहुत अलग अलग तरीके के बॉडी लोशन आते हैं, जैसे कि कुछ में यूवी फॉर्मूले के साथ आता है, तो अगर आप धूप में जाते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट है जो आपको सन से प्रोटेक्ट करे। बहुत सारे बॉडी लोशन होते हैं तो आपको फर्स्टली उनका इंग्रेडिएंट चेक करना चाहिए कि उसमें क्या है। जैसे कि कुछ बॉडी लोशन में बहुत हैवी केमिकल होते हैं, जैसे कि पैराबिन हो गया, सल्फेट हो गया या उसके अंदर पेट्रोलियम हो सकता है। तो ये जो केमिकल होते हैं, अगर आप इन्हें ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हो तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको खुद ही से चॉइस करना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट नेचुरल है, क्योंकि अगर इंग्रेडिएंट नेचुरल है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम से कम होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बॉडी लोशन हैं और उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, उन्हें कैसे चॉइस करना चाहिए अपने हिसाब से, अपनी स्किन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैसलिन का हेल्दी ब्राइट, जो कि स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। बट अगर हम इसके इंग्रेडिएंट देखें तो इसमें स्टेरिक एसिड है, मिनरल ऑयल है, आईएसोप्रिल है। तो मिनरल ऑयल अगर आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हो तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, तो आपको इसे ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लोशन है निविया का बॉडी मिल्क सी बटर। इसमें यह भी लिखा है कि ये आपको 48 घंटे तक मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है, बट जब हम इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं तो इसमें पैराफिन है। पैराफिन आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये एक हार्मफुल केमिकल है, तो आपको इसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरा है निविया का बॉडी नरिशन लोशन। ये सेम उसका ही वेरिएंट है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसके लिए है, क्योंकि इसमें डीप मॉइस्चराइजर सीरम यूज़ किया गया है। और अगर आप इसके भी इंग्रेडिएंट देखें तो इसमें भी पैराफिन यूज़ किया गया है जो कि एक हार्मफुल केमिकल है, तो आपको इसे भी ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो लोशन है वो है पतंजलि का सौंदर्य बॉडी लोशन। इसके ऊपर मेंशन किया गया है ये आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को नरिश करता है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है नारियल का तेल यूज़ किया गया है, बादाम का तेल यूज़ किया गया है, खीरा, केसर और हल्दी यूज़ किए गए हैं। तो ये बेसिकली इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। अगर हम इनके नुकसान देखें तो बहुत कम नुकसान होते हैं, तो आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्किन को हार्मफुल केमिकल से बचाना चाहते हैं और आप अपने लिए एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हों, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे मामाअर्थ का हीलिंग बॉडी लोशन। इसका बेस्ट पार्ट यह है कि ये मिनरल ऑयल फ्री है और 24 घंटे तक आपको मॉइस्चराइजर लॉक देता है और ये हाइपोएनर्जिक है। अगर हम इसके डायरेक्शन और यूज़ की बात करें तो आपको इसे अपने बॉडी पर मसाज करना है। आप इसे नहाने के बाद बॉडी पर मसाज कर सकते हो। हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, लीम ब्लॉसम और माकादीमा ऑयल जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। इसके और भी वेरिएंट आते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसके ड्राई वाला वेरिएंट भी आता है जो है मामाअर्थ का स्किन रिपेयर बॉडी लोशन। ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो यूज़फुल लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले।